नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आपने ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा तो जरूर देखी होगी, जो बेसिकली एक कन्नड़ा लैंग्वेज मूवी है, लेकिन इसको सभी भाषाओं में रिलीज किया गया और बाद में हिंदी में भी डब करके रिलीज किया गया। और जिस प्रकार से ये फिल्म बनाई गई है, बहुत कम बजट में और कितनी माइंड ब्लोइंग सुपर मूवी बनाई गई है, एक रियल ओरिजिनल कंटेंट। और इसमें जिस प्रकार से ऋषभ शेट्टी ने अदायगी की है, अपने अभिनय के जलवे दिखाए, जिस प्रकार से उनकी परफॉर्मेंस है, विशेषकर क्लाइमेक्स में जब आप उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेक्स इस फिल्म का लिखा गया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तक हमने जितनी भी फिल्में देखी है उनमें से वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेक्स इसका फिल्म का है। तो बहुत ही जबरदस्त फिल्म है। इस फिल्म ने ना केवल मतलब साउथ में तहलका मचाया, बल्कि दोस्तों हिंदी में भी जब इसको डब करके रिलीज किया गया तो हिंदी में भी इसने बहुत जबरदस्त कलेक्शन दिए और ओवरसीज से भी बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट है। तो दोस्तों, ऋषभ शेट्टी ने जिस प्रकार से इसमें एक्टिंग की है, एंग्री यंग मैन की याद दिलाती है, शिवा का रोल कितना पावरफुल पावर पैक्ड परफॉर्मेंस उनकी थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऋषभ शेट्टी ने कहा है कि उनका जो ये अभिनय है वो एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन से प्रभावित था। इसका मतलब अमिताभ बच्चन से हर कोई प्रभावित है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि सभी कलाकारों की एक्टिंग में कहीं ना कहीं तो अमिताभ बच्चन की छाप नजर आई जाती है। लेकिन यहाँ पे ऋषभ शेट्टी ने खुद खुले मन से यह स्वीकार किया एक इंटरव्यू में कि जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन का रोल निभाया करते थे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनकी पुरानी फिल्म में आप देखिए कि किस प्रकार से वो एंग्री यंग मैन का रोल निभाया करते थे, तो उन्हीं से प्रेरित होकर के उन्होंने भी ये शिवा का कैरेक्टर निभाया है। उन्होंने काफी तारीफ की अमिताभ बच्चन की ऋषभ शेट्टी ने और कहा है कि आपको इस फिल्म में शिवा के रोल में कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन की झलक जरूर नजर आती है, एक एंग्री यंग मैन के रोल की झलक नजर आ जाती है। और जिस प्रकार से मैंने ये रोल निभाया है उसमें मतलब मुझे डेफिनेटली अमिताभ बच्चन की जो एंग्री यंग मैन की छवि थी उसने जरूर कहीं ना कहीं प्रेरित किया है, ऐसा खुद ऋषभ शेट्टी ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया है। तो दोस्तों, इसका मतलब सभी कलाकार अमिताभ बच्चन से प्रभावित है और जिस प्रकार से उन्होंने एक एंग्री यंग मैन की छवि गढ़ी थी उसी छवि को आजकल के कलाकार भी आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो यश हो, जिन्होंने KGF में जिस प्रकार की भूमिका की थी उसकी तुलना भी अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार से की गई थी और यश ने खुद कहा था कि जी हाँ, मैं मतलब अमित जी से प्रभावित हूँ और इस प्रकार का रोल मैंने उन्हीं से प्रेरित होकर के किया है। और अब ऋषभ शेट्टी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अमिताभ बच्चन की छवि से प्रेरित होकर के उन्होंने कांतारा में शिवा का रोल प्ले किया है और उनकी छवि जरूर उनके रोल में नजर आती है। तो दोस्तों, आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।